उठे सहरी का टाइम हो गया है, उठ जाए। ओसी उठे उठे सहरी का टाइम हो गया है। ओसी उठ जाए ना, क्या हो गया आपको? उठे ना, मैं कहती हूँ उठे, होश करें। ओह उठ गए आप, स्लीपिंग ब्यूटी। नीले जी, सहरी बांध होने में कितना टाइम बाकी है? 15 मिनट्स। अच्छा, क्या यार तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? क्या करती हो? अब तुम्हारी वजह से मुझे जल्दी जल्दी खाना पड़ेगा। ये क्या है? देखने में तो एग टोस्ट ही लग रहा है। वो तो मुझे भी नजर आ रहा है, पर सहरी में एग टोस्ट कौन खाता है? तो फिर क्या चाहिए आपको? यार कुछ देसी हो जाए तो, लाइक आलू का पराठा हो जाए तो मजा आ जाए। बनाती हूँ आलू का पराठा। थोड़ा जल्दी हाँ। ये ले। थैंक यू। तुम कितनी अच्छी हो, मेरा कितना ख्याल रखती हो, हैं? मेरे लिए आलू का पराठा बनाया है। जिसमें आलू तो नजर ही नहीं आ रहे। क्या? यार मैंने आलू का पराठा मांगा था, तुमने प्लेन सा पराठा दे दिया। ओसी ये आलू का पराठा है, इसमें मैंने आलू डाले हैं। रियली? ये आलू का पराठा है? पता नहीं कहाँ डाले हैं, मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा। ओसी, कल आपने इफ्तारी में क्या खाया था? कल तो मैंने चपली कबाब खाए थे। चपली कबाब? हाँ। तो उसमें आपको चप्पल नजर आई थी? नहीं तो। और साथ कौन सी चाय पी थी? कश्मीरी चाय। कश्मीरी चाय, तो उसमें आपको कश्मीर नजर आया था? नहीं। तो अगर चपली कबाब में चप्पल नजर नहीं आती, कश्मीरी चाय में कश्मीर नजर नहीं आता, नरगसी कोफ्तों में बाजी नरगिस नजर नहीं आती, मुल्तानी हलवे में मुल्तान नजर नहीं आता, बॉम्बे बिरयानी में बॉम्बे नजर नहीं आता, तो आलू के पराठे में आलू कैसे नजर आएंगे? आलू नजर नहीं आ रहे। अब चुपचाप बैठ के खाएं, वरना बगैर सहरी के भी रोजा हो जाता है।